देख रहे हैं जम्मू दूरदर्शन और मैं हूं अंजना बड़ियाल। क्लीनिनेस इज गॉडलीनेस, ये कोट तो हम सब ने बचपन से सुना है, पढ़ा है और हम सब की ये कोशिश भी रहती है कि हम इस पर अमल करें, अपने आप को भी स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, ताकि हम स्वस्थ भी रह सकें और एक अच्छे साफ सुथरे माहौल में जब हम रहते हैं तो हम बीमार कम पड़ते हैं। जब हम बीमार कम पड़ते हैं तो हमारा जो खर्चा है, जो हमारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर होता है या दवाइयों पर होता है, वो बचता है। इससे हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे घर के जो आर्थिक हालात हैं, उन पर भी असर पड़ता है। यानी स्वच्छ रहने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। स्वच्छता हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरह से ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को अफेक्ट करती है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मैडम ज्योति शर्मा, जो एक सोशल वर्कर हैं और पिछले 3-4 साल से वो इस फील्ड में काम कर रही हैं। ज्योति जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इसी पे बात करेंगे कि स्वच्छता एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए कितनी और क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत करी है। स्वच्छता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के रिलेटेड। अगर हमारा वातावरण ही प्रदूषित है तो हमारी जो हेल्थ है, वेलबींग हमारी हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी एंड उसके साथ साथ हमारी मेंटल वेलबींग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि इंसान, हम अपने जैसे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, रोज सुबह नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, वैसे ही अगर हम अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे तो वो इनडायरेक्टली हमारे मेंटल पीस को, हमारे फिजिकल थिंग को बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होगी हमारे लिए। हमें जैसे कि रोज सुबह देखते हैं कि माताओं का सबसे पहले खाना तो बाद में बनाना है, सफाइयां पहले होनी चाहिए, हर जगह सही तरीके से सेट होनी चाहिए। वैसे ही जैसे हम अपने रूम को, अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमको अपने वातावरण को भी साफ रखना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स हैं, हम खुद भी बाहर जाते हैं, तो हम प्रदूषित जगह पे जब जाएंगे तो वहां पे इतनी बीमारियां होंगी, इतनी फाउल स्मेल्स होंगी जो हमारे हेल्थ को जरूर डैमेज करेगा। तो हमको ये नहीं देखना कि सफाई वाला आ रहा है वो खुद साफ करेगा, बाहर कर्मचारी हैं वो खुद साफ करें, नहीं, हमको अपना स्टेप लेना है। कहीं पे अगर हमको दिख रहा है कि कूड़ा गिरा हुआ है, उठा के उसको डस्टबिन में डालो, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का। एंड सबको यही चीज पे दिमाग में रखनी चाहिए कि हमको अपनी तरफ से एफर्ट पुट। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपना जो इसमें दे सकता है रोल, योगदान, वो जरूर दे। और प्रकृति ने वातावरण का एक संतुलन बनाया है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उसमें अगर ये वातावरण का संतुलन बना रहेगा तभी इस धरती पर जो जीवन है वो बना रहेगा। लेकिन मनुष्य कई बार अपने निजी स्वार्थों के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, उद्योगीकरण के चक्कर में, शहरीकरण के चक्कर में, विकास के चक्कर में कई बार जो पेड़ पौधे हैं उनको काफी नुकसान पहुंचता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो जंगल हैं, जो हमारी हरियाली है, हरे भरे जो हमारे खेत खलिहान है, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य विकास के पथ पर तो आगे बढ़ रहा है, सड़कें बन रही हैं, नए नए चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये जरूर याद रखना होगा कि ए विकास के पथ पर आगे चलते हुए हमें वातावरण के इस संतुलन को भी बनाए रखना है। जी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बैलेंस हमको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। डेवलपमेंट के नाम पे आप नेचर को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। बट अगर डेवलपमेंट एक टाइम पे आके, सबको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोड्स बन रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह कट रहे हैं, बट उसके पैरेलली आप ये चीज़ भी देखिए कि कितने सारे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वहाँ पे जो भी वाइल्ड एनिमल्स है वो फिर रेजिडेंशियल एरियाज पे आएंगे ही आएंगे, जब आप उनके घर ही तबाह कर देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि डेवलपमेंट के साथ साथ आप उस नेचर को वापस से कंजर्व करें, डिफॉरेस्टेशन जहां पे हो रही है रिफॉरेस्टेशन करिए, कुछ एरियाज ऐसे बना दीजिए जहां पे प्लांटेशन होए, मतलब एक ट्री को प्रॉपरली ग्रो करते हुए, मैच्योर होते हुए 30 ईयर्स लग जाते हैं, तो हम कितने पीछे चले जाएंगे जब हम बल्क में उन सबको काट देंगे। तो इस तरीके से मतलब हमको प्लांटेशन ड्राइव जो है वो डेली के डेली करनी चाहिए, वंस इन अ वीक या मंथली भी हो रहा है डेली भी, बट अब लोगों का ये कंसेप्ट होता है हमने अपनी तरफ से प्लांट लगा दिए, दैट्स इट, उसकी केयर कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसको वाटर कौन देगा, उसको प्रॉपर जो ह्यूमस की नीड है वो कौन देगा? तो ये चीजें भी हमने ध्यान रखनी है कि प्लांटेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, उसकी जो केयर है वो पोस्ट केयर है वो जरूर उसकी हुए।
अगर हम स्वच्छता की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो सरकार तो नियम कानून बनाती है, उस पर अमल भी होता है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस विषय में काम करती हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक आम मनुष्य की, एक आम आदमी की, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसका कितना रोल है अपने आप को और अपने वातावरण को साफ रखने में? सोसाइटी में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी हम लोग हैं, हमको बहुत इस चीज़ को सेंसिटिवली समझना चाहिए कि हमको अपने एरिया को पोल्यूट नहीं करना. अगर आप बड़े स्केल पे क्लीनिनेस नहीं कर सकते हो तो छोटे स्केल से स्टार्ट करो. जैसे आप अपने घर पे करते हो वैसे ही आप अपने सराउंडिंग्स में करिए. अब देखिए जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट का आ रहा है, सॉलिड वेस्ट अलग जा रहे हैं, लिक्विड वेस्ट अलग जा रहे हैं, सैनिटरी वेस्ट भी अलग जा रहे हैं, बट लोगों को इस चीज़ इसकी अवेयरनेस नहीं है. उनको नहीं पता चल रहा सॉलिड कहां पे जा रहा है, लिक्विड कहां पे जा रहा है, आपका सैनिटरी वेस्ट कहां पे जा रहा है. काफी जगह पे जब हम भी कहीं सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, स्कूल से हमको सिर्फ एक ही इश्यू रेज होता है कि बच्चे जो है सैनिटरी डिस्पोजल है वो सिर्फ टैंक्स में, डस्टबिन नहीं यूज करते हैं, जो कमोज होते हैं उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है एंड बाहर से बुलाना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं. तो बच्चों को भी इस चीज के बारे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना सैनिटरी वेस्ट किस तरीके से डिस्पोज करें. स्कूल्स में बाकायदा इस चीज के ऊपर लेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड उसके साथ साथ सॉलिड्स एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी लोगों को पता होना चाहिए. अब काफी सारे मैंने खुद ऐसे केसेस देखे, कभी कांच टूट जाता है, पैक करके वो डाल देते हैं डस्टबिन में कहीं पे, तो जानवर जो है, पशु जो है, वो वहीं पे खाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जीप कट जाती है और वहां पे कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं होता. तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपना वेस्ट जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. साथ में आपके जो घर पे बच्चे हैं, जो इनफैक्ट बूढ़े भी हैं, आज का यूथ जो है वो उसको हम काफी अवेयर मानते हैं एज कम्पेयर टू थोड़ी हमारी ऊपर वाली जनरेशन को, तो माँ बाप को भी थोड़ा बच्चों से सीखना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा सिखाना चाहिए माँ बाप को कि इस तरीके से आप डिस्पोज ऑफ करो. अब घरों में क्या होता है कि सफाई करके कूड़ा साइड पे डाल दो, हमारे घर से गंद खत्म हो गया, बस हम रिलैक्स हो गए, पर वो ये नहीं देख रहे कि आपके घर के बाहर कितना ज्यादा गंद हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है, जानवर वहां पे आ रहे हैं, इनडायरेक्टली वो गंद तो आपके घर पे आएगा ना कभी ना कभी. बात करें अगर नदी नालों की, यार जम्मू शहर की अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो तवी नदी बिल्कुल जम्मू शहर के बीचों बीच गुजरती है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि उसके किनारों पर भी बहुत सारा जो है वो वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है. खासकर अगर हम बात करें कुछ ऐसे पर्व त्यौहार आते हैं जब लोग श्रद्धा के कारण या कुछ आस्था के कारण, दो त्यौहारों की हम खास बात करेंगे, एक तो गणेश विसर्जन आजकल जम्मू में भी बहुत होने लगा है, तो वो लोग जो जब विसर्जन के लिए जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल वहां डालकर आते हैं जो कि डिस्पोज ऑफ जल्दी नहीं होता है. दूसरी हम बात करते हैं अपने नवरात्र उत्सव की, नवरात्रों की, तो लोग घरों में साख लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और 9 दिन के बाद जब उसका विसर्जन करते हैं तो तब भी उन्हें ये बहुत ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि केवल जो मिट्टी है उसमें जो राख है या फिर जो पौधा है वो ही विसर्जित करें, लिफाफों के समेत उसको फेंकते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण जो है बन जाता है. हाँ जी, इस पे मैं अपनी एनजीओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी. हमारी एनजीओ का नाम लिव फॉर अदर्स बींग हेल्पफुल फाउंडेशन है. मेजरली जो हमारी डोमेन में इन्वायरमेंट आता है उसमें हम नवरात्रों में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे तवी घाट हो गया, कैनाल रोड वाली कैनाल साइड हो गई, वहां पे हम अपना क्लीनिनेस ड्राइव्स करते हैं जिसमें 2 दिन का होता है, अष्टमी या नवमी पे. हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, साख हो गए, फूल हो गए, पत्ते हो गए, वही सिर्फ नीचे ये विसर्जित करने जाने देते हैं, ठीक है, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट हो गए हैं, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हम वो पहले ही ले लेते हैं. अब हमको 4-5 साल हो गए सेम चीज करते हुए, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने चेंजेस देखे हैं. शुरू के टाइम में बहुत ज्यादा लोग ना रिजिड बिहेव करते थे कि आप लोग हमारी आस्थाओं के साथ खेलते हो, हमारे ही त्योहारों पे क्यों ये सब रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है, तो काफी हमारे लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी लोगों को समझाने में, टाइम लगता है समझाने में. सो इट्स बिन 3 to 4 years नाउ. अब लोग क्या है कि उनको पता लग गया कि हमने क्या चीज नीचे प्रवाहित करनी है, ठीक है, तो वो खुद ही लिफाफा आप ये पकड़ लो, हम साख लेके जा रहे हैं, ठीक है. लोगों में भी ऐसी बात नहीं है कि अवेयरनेस नहीं आई है, हर चीज को मतलब आपको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, आप किसी से इमीडिएटली उस चीज का इफेक्ट नहीं मतलब होप कर सकते हो. तो हमारे अब 2 दिन का अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग के टाइम पे तो 2000-3000 किलोग्राम हमारा वेस्ट होता था जी. अब के टाइम पे 1200-1300 जो है वो किलोग्राम्स ऑफ
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं। अब लोगों का ये कहना होता है आप सब चीजों को साइड कर लेते हो, आप उनका बनाते क्या, आपने तो हमारी चुन्नी भी ले ली, ठीक है, आप फूल भी कभी कभी जाने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो हमको उनको यही चीज समझाते हैं, जो फूल पत्तियां हैं उनसे धूप मालाएं ये सब बनाते हैं, धूप अगरबत्तियां, ठीक है, और जो माता की चुनरी होती है उससे बहुत अच्छे ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह पे हम वो दे देते हैं, ठीक है। और जो सिक्के, एक दो सिक्के होते हैं, वो हम क्या करते हैं, इकट्ठे करके जो भी गरीब होते हैं उनको हम उस चीज में बांट देते हैं, ठीक है। साख तो फिर वो जो है माता जी का स्वरूप है वो तो हम पानी में जाने दे देते हैं। बिल्कुल सही है कि वही चीज आप पानी में डालें जो कि उसके साथ घुल मिल जाए और उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है हमारे वातावरण पे नहीं पड़े। अब जो यूथ है घर में है, चाहे वो कहीं बाहर काम कर रहा है, ऑफिस प्लेसेस में काम कर रहा है, उन्हें आप खास तौर पे यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो किस तरह से खुद भी इस मुहिम में शामिल हों, और जैसे आपने कहा कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी समझाएं, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो मोटिवेट करें। यूथ जो है वो नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। स्वच्छता, अगर आपकी जगह साफ नहीं रहेगी, आपका शरीर साफ नहीं रहेगा, आपका वातावरण साफ नहीं रहेगा, तो आप फिर भूल जाओगे, आपका मेंटल पीस, आपके फिजिकल वेलबींग सारी सही रहेगी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यूथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। वो अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को समझाने की इतनी कैपेबिलिटी रखता है, एंड काफी यूथ में भी हम ये चीज देखते हैं कि जब भी क्लीनिनेस ड्राइव होगी वो बहुत अच्छे से जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बट वो सिर्फ उन 2 या 4 दिन के लिए रहता है, ठीक है, क्योंकि दिखाना है, आजकल फोन का बहुत ज्यादा जमाना है, हमने काम किया, बट कभी आगे पीछे देखो तो सेम वो इन चीजों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं। बट आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी अच्छी चीज कर रहे हैं, उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेके चले, अपनी उस चीज को हैबिट बनाए। कहीं पे भी आप कूड़ा करकट देख रहे हो, कोई भी बच्चा या कोई भी बुजुर्ग करके कहीं पैसे फेंक रहा है, तो उनको रिस्पेक्टफुली उस चीज को समझाएं कि सर आपको ऐसे करके इसको डिस्पोज ऑफ करना है। अब काफी लोग ये भी क्वेश्चन रेज करते हैं कि यहाँ तो डस्टबिन नहीं, हम कहाँ फेंके, घर लेके जाए, लेके चले जाओ, कौन सी बड़ी बात है, डस्टबिन तो है ही है, ठीक है, वहां पे आप डिस्पोज कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल, जहां आपको चाहिए उसी जगह पे नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उसके 10 कदम और 100 मीटर दूर आपको मिलेगा, क्योंकि सरकार द्वारा तो पूरी कोशिश है कि जगह जगह पर ये डस्टबिन लगाए गए हैं। खासकर अगर हम बात करें अपने पर्यटक स्थलों की, जब भी हम किसी ऐसे स्पॉट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जाकर हम पूरा दिन मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन फिर जो प्लास्टिक वेस्ट है, खासकर पानी की बोतलें हैं, जो पैकेट हैं इटेबल्स के, वो हम वहीं छोड़कर आते हैं। हालांकि डस्टबिन वहां भी लगे हैं, लेकिन थोड़ी सी मानसिकता जो है उसे बदलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अभी इस चीज को हमने 1-1.5 महीने पहले ही पत्नीटॉप नथा टॉप में हमने क्लीनिनेस ड्राइव्स करी थी, एंड साथ में पंचहरी में भी करी थी, तो वहां पे इतना ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हुआ, 800 to 900 के बीच में पत्नीटॉप में सिर्फ इकट्ठा हुआ था वेस्ट। तो वहां पे जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे हमने उनको अवेयरनेस भी प्रोवाइड करी कि हमारे जम्मू में बहुत कम टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज को हम साफ सुथरा रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और सही मायनों में अगर हम विकास करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्वच्छता को सर्वोपरि माने और हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा सही है, अपना योगदान जरूर दे। स्वच्छता सर्वोपरि क्यों है और किस तरह से ये हमारे जीवन को अफेक्ट करती है, इस विषय पर आज हमने बात की। हमारे साथ थी ज्योति शर्मा जी, जो एक एनजीओ से जुड़ी हैं और इस विषय में काफी सालों से काम कर रही हैं। ज्योति जी, आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इसके साथ ही इस प्रोग्राम के जरिए से आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि स्वयं भी साफ रहें, अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखें, ताकि हम सब मिलकर भारत को एक साफ, स्वच्छ और विकसित देश बना सकें। आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अंजना बड़ियाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।